नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी कुछ खबरें हम लेकर आए हैं अपनी इस खास पेशकश में। खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल में हुई सीएम शिवराज की मंत्री समूहों की बैठक में फिलहाल स्कूल नहीं खोलने पर फैसला लिया गया है। मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट सीएम के सामने उन्होंने पेश की। स्कूल खोलने को लेकर हुई चर्चा में फिलहाल स्कूल और शिक्षण संस्थान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। बच्चों की पढ़ाई पहले की तरह ऑनलाइन और टीवी के जरिए ही कराए जाने पर चर्चा हुई। व्हाट्सएप के माध्यम से वर्कशीट उपलब्ध कराए जाने पर भी चर्चा हुई। शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण जरूरी करने की बात पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार BAMS, BHMS, BUMS की सभी परीक्षाओं पर भी विचार किया गया। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। मंत्री समूहों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल कोरोना की संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस और टीवी के जरिए ही बच्चों की पढ़ाई जारी रखने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करेंगे, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्कूल, जैसी कि अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो इन अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने स्कूल अभी फिलहाल नहीं खोलने का फैसला किया है और कोरोना की संभावित तीसरी लहर इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। स्कूल अभी फिलहाल नहीं खोलेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कयास लगाए जा रहे थे कि 1 जुलाई से जो है स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन मंत्री समूहों की बैठक में ये फैसला लिया गया कि फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ये फैसला टाल दिया गया है। सवाल बच्चों की सुरक्षा का है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। कोई भी रिस्क सरकार बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि 1 जुलाई से अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस और टेलीविज़न के माध्यम से ही पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला स्कूल खोलने को लेकर लिया जाएगा। क्योंकि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक सरकार का मानना है कि स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 जुलाई से शायद स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अनलॉक ज़रूर हो रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन स्कूल और शिक्षण संस्थानों पर अभी फैसला सरकार नहीं ले रही है, अभी खोलने का रास्ता साफ नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल अवनाश जी, अगर अभी बात की जाए स्कूलों को लेकर, जिस तरह से संभावना थी कि शायद अगस्त तक इसको लेकर सरकार कुछ कोई फैसला ले सकती है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं, जिस तरह से इसको लेकर लगातार कवायद कर रहे हैं, और अभी ये तय किया गया है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्य राज्यों से भी इसको लेकर बातचीत करेंगे, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में और सीएम शिवराज सिंह चौहान अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, जिस तरह से आज सीएम ने कहा है, मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा करेंगे, अधिकारी विशेषज्ञों से भी उनकी चर्चा होगी, सबसे सलाह करने के बाद ही प्रदेश में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है। अभी प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि पूरी तरीके से जब तक सारी चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती,
जब तक कोरोना को लेकर जिस तरह से आशंका है कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तीसरी लहर भी आ सकती है, और जब ये माना जा रहा है कि शायद अगस्त सितंबर या अक्टूबर में जो थर्ड वेव आए उसका क्या किस तरह से रिएक्शन है कोरोना का थर्ड वेव को लेकर, और यही सारी चीजें चाहे वो अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की बात हो या केंद्र से बात हो या विशेषज्ञों से बात हो एक्सपर्ट से बात हो, फूंक फूंक कर कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार इस पूरे मामले में रखना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि पहली वेव के बाद जो सारी चीजें हुई हैं वो अब ना हो, क्योंकि जो सेकंड वेव थी बहुत हद तक अब कंट्रोल में है, केसेस बहुत कम हो चुके हैं, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन 38-39 ही केस है और अब और नीचे ये ग्राफ आया है, तो इसी के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते कि जब तक सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और ये भी कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होती है आती है, अगर कहीं आती है तो वो बच्चों पर घातक हो सकती है, ऐसे में सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और यही कारण है कि जो अभी ये माना जा रहा था कि 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं, अगस्त में खुल सकते हैं, उसको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विराम लगा दिया है। राजेश जी, एक बात और भी है कि जैसा पहली लहर के बाद भी ऐसा हुआ था कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम से कम आ गई थी, न्यूनतम पर आ गई थी और अनलॉक कर दिया गया था, और वही अनलॉक जो है बहुत भारी पड़ गया और दबे पांव एकदम से दूसरी लहर आई और बहुत तबाही मचाकर वो जो है जा रही है अब, तो यही वजह है कि पहली लहर उसके बाद उसका कम होता असर, फिर दूसरी लहर का एकदम से आ जाना और बहुत ज़्यादा जो है जाने चली जाना और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का संक्रमित होना, यही सारी वजह है कि अब हर मामले में सरकार जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और जहाँ सवाल बच्चों की शिक्षा का, वो एक चिंता का विषय ज़रूर है लेकिन उनके जीवन की सुरक्षा जो है वो ज़्यादा अहम है, और रहा सवाल पढ़ाई का तो वो ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही अब कराई जाएंगी। हालांकि राजेश जी, कॉलेज जो है वो शुरू करने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, हालांकि उसमें भी ये कहा गया है कि जो परीक्षा जो माफ कीजिएगा जो छात्र छात्राएं हैं वो वैक्सीन लगवा जिनको लग चुकी होगी वही कॉलेजों में प्रवेश कर पाएंगे, बाकी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यही ऐसा ही कुछ आगे भी आने वाले समय में जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे, तब जाकर के कहीं एक कंफर्ट जोन में आने के बाद ही स्कूलों पर भी फैसला हो पाएगा। राजेश जी, बिल्कुल अमनाथ जी, तमाम सारी चीजें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं जी। और शिक्षण संस्थानों के शुरू करने के लिए 100% टीकाकरण और कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन आवश्यक है। जिस तरह से आज जो बैठक की है अलग अलग, चाहे टीकाकरण को लेकर हो, चाहे कोरोना कर्फ्यू का समाप्त करने जिस तरह समाप्त किया गया और आगे की क्या कुछ रणनीति है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में आज इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की है। दूसरी तरफ जिस तरह से बात की जाए तो जो पढ़ाई है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो स्कूल नहीं खुलने की वजह से, तो ऑनलाइन कैसे इसका एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से ही पढ़ाई कराए जाने पर आज चर्चा हुई है और इसका एक बेहतर सिस्टम डेवलप करने की भी बात हुई है। व्हाट्सएप के माध्यम से पाठ पुस्तक के आधार पर वर्कशीट उपलब्ध कराई जाने पर भी चर्चा हुई है, तो कुल मिलाकर तमाम सारी कवायदें इस दिशा में की जा रही है। चलिए, आने वाले समय में क्या कुछ फैसला लिया जाता है देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे, और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे, सबके सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये राहत भरी बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की संक्रमितों की दर है जो लगातार गिरती जा रही है, न्यूनतम स्तर पर वो आ गई है, लेकिन इसके बावजूद तीसरी लहर की संभावित आशंका को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनकी सुरक्षा ज़्यादा अहम है इस वक्त।